तो पहले हम लोग क्या किया, वो पॉइंट डी को ई तक एक्सटेंड किया है ना, ई तक एक्सटेंड कैसे सर, इस तरह से वो कि ये जो डी लाइन है ए डी के बराबर है, ठीक हो। अब हमने क्या करें, तो वही लिखा था बी डी बराबर डी सी एंगल बी डी जो दिया हुआ था कंस्ट्रक्शन के, वो ट्रायंगल एबीसी एसोसिएशन ट्रायंगल बाबू, तो ए डी को ई तक क्या किया बढ़ा, ए डी बराबर डी के है ना। अब हम लोग क्या चल रहे ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी में, ट्रायंगल नंबर एक और ट्रायंगल नंबर दो, ए डी बी और ई डी सी में, ट्रायंगल एक और दो में चलो, ट्रायंगल एक और दो में चलो, ट्रायंगल एक और दो में, शांति समझना, ट्रायंगल एक और दो में चले, ट्रायंगल नंबर एक और ट्रायंगल नंबर दो में चलो, ठीक। क्या क्या बराबर दिख रहा है, ट्रायंगल नंबर एक और ट्रायंगल नंबर दो, ट्रायंगल नंबर एक क्या सर ए डी बी, ए डी बी, ट्रायंगल नंबर दो नंबर टू क्या है सर ई, ई पॉइंट ई है बोले, ई पॉइंट ई है, ई पॉइंट ई है, ई डी सी, ट्रायंगल एक और दो में वो देखो कंग्रेंट है बाबू, शांति समझना, शांति समझना, कैसे सर कंग्रेंट होगा, कैसे सर, हमने कंस्ट्रक्शन किया ए डी बराबर क्या किया, ए डी बराबर ई डी किया, ए डी बराबर डी किया ना बाबू, ठीक, पहला है वो साइड बराबर हो गया सर, ठीक सर। ये आपको बी डी या डी सी क्या दिया हुआ, बराबर दिया, बी डी डी सी बराबर दिया सर, दिया क्वेश्चन में मिल कर दिया बाबू कि बी डी और बी डी और डी सी क्या है बराबर, ट्रायंगल एक और दो में चलना, ट्रायंगल एक और दो में चलना, बी डी बराबर डी सी, ये एंगल क्या, ये साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा, मेरे लाल पॉइंट डी पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, होगा ना, हाँ सर वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा सर, और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ए डी बी और ई डी सी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल एक और दो क्या हो गया कंग्रेंट हो गया, ट्रायंगल एक और दो कंग्रेंट हो गया साइड एंगल साइड से, तो वही है बाबू बी डी बराबर डी सी सर, हाँ सर, ए डी बराबर डी सर, ए डी बराबर डी सर, और एंगल बाबू ए डी बी और ई डी सी वर्टिकल अपोजिट एंगल सब इक्वल हो गया सर, इसीलिए ट्रायंगल बाबू ए डी बी, 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 कौन वाला सर, कौन वाला सर, कौन वाला सर, ये वाला ए डी बी, ये एक नंबर ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सर ई डी सी, दो नंबर ट्रायंगल, ई डी सी दो नंबर ट्रायंगल क्या हो गया कंग्रेंट हो गया, तो जब भी दो ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट हो जाता है, कंग्रेंट हो जाता है, तो उसका हर एक साइड और एंगल क्या होता है सेम होता है, कंग्रेंट ट्रायंगल का यही कंडीशन होता है ना, वो जब दो ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट होता था उसका साइड क्या होगा इक्वल होगा, एंगल क्या होगा इक्वल, ठीक, तो एक दो का अगर कंग्रेंट हो गया तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा, ई साइड आपस में बराबर हो जाएगा है ना, बराबर हो जाएगा सर, तो वही लिखा था बाबू ए बी बराबर क्या हो गया ई सी हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया ई सी हो गया, यहाँ पे मेरे ला इक्वेशन नंबर इसको दो दे दो है ना, ठीक सर। और बाबू जब ट्रायंगल ए का दो कंग्रेंट हो गया मेरे ला, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या होगा इक्वल हो जाएगा, एक दो ट्रायंगल अगर कंग्रेंट हो गया बाबू तो ट्रायंगल ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ये एंगल का नाम क्या देगा बी ए डी, इस एंगल का नाम क्या देगा डी ई सी या सी ई डी, आपस में क्या होगा इक्वल होगा, आपस में क्या होगा इक्वल होगा, इक्वल होगा, तो वही लिखे बाबू एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल सी ई डी, सी ई डी आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, शांति से समझना, शांति से समझना, इक्वेशन नंबर इसको दो नाम दे दो, इसको थर्ड नाम दे दो, एक ऊपर में इक्वेशन वन नाम दे दो, ठीक, अब शांति से, अब हो गया, अब मेरा काम हो गया, अब नहीं कुछ करना, देखो इक्वेशन बाबू क्या है बाबू, इक्वेशन नंबर क्या है बाबू थर्ड है, और इक्वेशन नंबर एक को ऑब्जर्व करो, तो देखो इक्वेशन बाबू एक में क्या है सर, एक में क्या मेरे लाल, एक में क्या, एक में क्या बी ए डी एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, इक्वेशन थर्ड में बाबू एक और थर्ड का आप खोल के देखो राइट साइड इक्वल है कि नहीं है, एक इक्वेशन नंबर एक और तीसरा को खोल के देखो आपको है ना, तो बी ए डी और बी ए डी राइट साइड इक्वल है ना जी, हाँ सर, तो किसी भी इक्वेशन का बाबू राइट साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड क्या होगा बराबर होगा, तो एंगल डी ए सी और एंगल सी ई डी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा है ना, तो इसीलिए यहाँ बाबू डी ए सी बराबर सी ई डी, ठीक है डी ए सी बराबर सी ई डी लिख दें, अब समझना डी ए सी बराबर सी ई डी हो गया, कहने का मतलब क्या सर, एंगल डी ए सी खोजो कहाँ, एंगल डी ए सी खोजो कहाँ, एंगल डी ए सी खोजो कहाँ, एंगल डी ए सी ये वाला एंगल, यही एंगल है एंगल डी ए सी, यही एंगल और एंगल सी ई डी, सी ई डी ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गया सर बराबर हो गया, एंगल नंबर मान लेते हो इसको एक देते हो बाबू, या एंगल ए देते हो एक दे दो इसको, एंगल एक दे दियो, ये एंगल दो हो गया, ये एंगल तीन हो गया है ना, तो एंगल तीन और दो आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, एंगल तीन और दो आपस में बराबर हो गया,
तो एंगल तीन और दो अगर बराबर हो जाता, भूले बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है बाबू, तो बचपन में एक तरीका बताएं बाबू कि इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होता। तो एंगल तीन और एक बराबर हो गया, तो ये जो ए सी है और ये जो ई साइड, एंगल तीन का अपोजिट वाला साइड कौन वाला है सर? ई वाला। ठीक, एंगल दो के अपोजिट वाला साइड कौन है सर? एंगल दो के अपोजिट वाला साइड कौन है सर? ई वाला। तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड इक्वल होता है, तो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होगा? ए सी और ई ए सी दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ए सी और ई सी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ए सी और ई सी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ई ए सी हो गया, ई ई सी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ए सी और ई सी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो वही किया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से। ठीक, पहले यहाँ लिखा हो ए सी बराबर ई सी लिख दिया सर। इक्वल साइड का एंगल क्या होता है? इक्वल साइड का वो इक्वल एंगल के अगर कोई भी ट्रायंगल में वो दो एंगल इक्वल होता है, उसका अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता। तो ए सी बराबर क्या किए? ए सी हो गया, ए सी बराबर ई सी हो गया, अरे ए सी और ई सी बराबर हो गया। अब आप खोल के देखो, आग खोल कर देखो, इक्वेशन नंबर कौन बाबू? यहाँ पे, यहाँ पे मेरे लाल ए सी बराबर ई सी है। शांति समझना, ए सी बराबर ई सी हो गया, ए सी बराबर क्या हो गया? ई सी हो गया। ठीक, और ए बी बराबर बाबू यहाँ से समझो। ठीक, आपको देखो बाबू यहाँ से समझना, हमने क्या यहाँ से सिद्ध किया सर? ए सी बराबर ई सी, ए सी साइड और ई सी साइड आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ई ए सी साइड और ई सी साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ तक दिक्कत है नहीं ना बाबू? तो ए सी बराबर ए सी हो गया। और अभी बाबू ट्रायंगल एक और दो से, ट्रायंगल एक दो से हमने क्या सिद्ध किया था? एक दो में बाबू जो ए बी साइड है वो ई सी के बराबर है ना? शुरू में सिद्ध किया ना वो ए बी जो साइड है इसी के बराबर है। यहाँ लिखे ना बाबू, यहाँ लिखे ना जी, ए बी बराबर इसी, ए बी बराबर इसी, ए बी साइड इसी के बराबर है। इक्वेशन नंबर कौन हो गया? दो हो गया। और ये दोनों एंगल इक्वल सिद्ध किए, तो ये दोनों जब एंगल इक्वल सिद्ध हो गया तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? बराबर हो। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर दो बाबू, और ए सी बराबर इसी हो गया इक्वेशन नंबर चार। तो राइट हैंड साइड बाबू देखो, इसी इसी बराबर है, इसी इसी अगर बराबर है बाबू किसी भी इक्वेशन का, इसी इसी बराबर हो गया, लेफ्ट ये राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ए सी ए बी ए सी क्या हो जाएगा? इसीलिए बाबू इक्वेशन दो और चार से ए बी बराबर ई सी, ए बी बराबर ई सी और बराबर ए सी। तो ए सी हटा दो तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो हमने क्या किया? ए बी और ए सी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो किसी ट्रायंगल के दो साइड अगर बराबर हो जाते तो ट्रायंगल क्या होगा? एसोसिएल्स होगा। इसलिए एसोसिएल्स ट्रायंगल, इसलिए ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? एसोसिएल्स होगा। देखो सीता, जिसको जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझा देते हैं। देखो सुनो, आप लोग एगो दे ध्यान में क्वेश्चन में करवाते हैं। धर्मवीर कौन खुशी में वीडियो बंद के लिए? देखो क्या करना आपको, सीध करना मेरे लाल, शांति से समझो। अब मोटा मोटी एक बार देख लो, ये सब छोड़ो। देखो नहीं ये सब सीखोगे तो कैसे होगा बाबू? टेंथ में ये नहीं पढ़ना, लेकिन थ्योरम पढ़ना है, तो उसका बाबू फाउंडेशन अभी से ना तैयार करना पड़ेगा जी, वहां भी थ्योरम पढ़ना है। और डायरेक्ट टेन में थ्योरम पढ़ोगे तो अल्लाह अल्लाह सर क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, कॉल रे और क्या क्या होता है। इसी अलावा कम से कम फाउंडेशन आप लोग तैयार कीजिए ताकि टेंथ में आपको टेंशन ना रहे। देखो क्या कह रहा, शांति से समझो, आधा बचा मुंह लटके ले। देखो धर्मवीर, क्या धर्मवीर वीडियो ऑन करो, सुबह ऑन करो, समझ में नहीं आता है सबको। आपको क्या कह रहा बाबू? मुंह लटके ला था, एगो ट्राइंगल दिया हुआ है, समझना, आप लिखना नहीं है, इसी को फिर से बता दो। समझो एबीसी क्या दिया हुआ? ट्राइंगल दिया हुआ। एबीसी क्या दिया है? वो ट्राइंगल दिया हुआ, खाली इंक मेरा खर्च होता। ठीक, इंक वो खत्म हो गया जी, सुसाइड करने वाला दिन आ जाता। का हो गया सर पे जी? एक बार मर गुटा अनियन हो गया सर, सब एक बार हो गया पहले। चलो लाल का जिंदाबाद, इसमें भरा हुआ। ये क्या दिया? एबीसी एक ट्राइंगल दिया हुआ, बोला एबीसी एक ट्राइंगल दिया हुआ।
अब अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक। कारा बाबू इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करो, एडी ड्रा किया, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया एडी, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया बाबू मेरे, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया क्या सर एडी, ठीक। तो आपको सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना, ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल नंबर वन एंगल नंबर टू क्या होगा बराबर होगा, शांति से समझो, एंगल एक दो क्या होगा बराबर होगा, एंगल एक बराबर एंगल दो हो जाएगा, ठीक ठीक सर। तो आपको सिद्ध करना बाबू कि ये सिद्ध करना है ए बी और ए सी क्या होगा इक्वल होगा, मतलब आपको सिद्ध करना है ट्राइंगल का एसोसिएशन से, ठीक। तो बाबू आर क्या दिया, दिया हुआ है ये बाइसेक्टर प्लस ये साइड का बाइसेक्टर है, क्या दिया बी डी बराबर डी सी दिया हुआ, एकदम शॉर्ट में देखो कैसे करोगे, है वही चीज बा, ठीक। इसमें बाबू आप अपना कल बाबू कल से एक घंटा से इस क्वेश्चन में सोच रहे, कोई क्रिटेरिया नहीं लगेगा, जब कोई क्रिटेरिया नहीं लगेगा सर तो क्या करेंगे, इसको जितना लेंथ ही बला है जितना लेंथ एडी है उतना ही लेंथ इसको नीचे ड्रा करो, ड्रा कर लिया जितना लेंथ एडी है उतना ही इसको नीचे एक्सटेंड करो, कहाँ पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, ठीक। तो ई पॉइंट तक क्या किया एडी बराबर डी किया, एडी बराबर डी के करेंगे कंस्ट्रक्शन से, ठीक ठीक सर। ईसी को मिला दो सैतान, मिला दिया बाबू, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन के डॉटेड लाइंस यहाँ तक ठीक है, ठीक बाबू। अब ये एंगल है, ये एंगल है, इसको मान लेते ट्राइंगल नंबर एक है, ट्राइंगल नंबर दो, ठीक। ट्राइंगल एक दो को कंग्रेंट सिद्ध करो, कैसे सिद्ध करोगे देखो बाबू, बी डी और डी सी साइड क्या है दोनों में शामिल है, ट्राइंगल नंबर एक बाबू ई वाला ट्राइंगल, ई वाला ए डी बी ये वाला ट्राइंगल, एक नंबर ई वाला आ रहा, ई वाला आ रहा, दो नंबर ये आ रहा, ये आ रहा, ये छोड़ दो। तो ये BD बराबर क्या है DC है, दिया हुआ है BD बराबर DC दिया हुआ है, ठीक। एक हो गया सर, क्या हो गया सर BD बराबर कितना हो गया DC हो गया, ठीक। नेक्स्ट समझना, ये वाला AD और DE, AD और DE बराबर है सर, AD और DE बराबर कैसे कंस्ट्रक्शन बना, हम ऐसा बनाए बैठे हैं कि AD और DE क्या बराबर है, ये वाला एंगल वर्टिकल या अपोजिट एंगल होगा, ये एंगल वर्टिकल या अपोजिट एंगल होगा, एंगल बाबू ये वाला ए डी बी और एंगल ई सी डी ई सी डी ई है ना, ये एंगल एंगल का वर्टिकल या अपोजिट एंगल होगा, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या होगा कंग्रेंट होगी, एक दो कंग्रेंट हो गया, जैसे दो ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाता था उसका हर एक को उसका क्या होता है हर एक साइड हर एक एंगल क्या होता है इक्वल होता, तो एक दो जब कंग्रेंट हो गया तो यहाँ से ना लिख सकते हो ए बी बराबर क्या, ये जो साइड है इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक बाबू, ए बी जो साइड है वो किसका इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू ये जो एंगल है एक नंबर जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल एक है ये इस एंगल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मान लेते ये एंगल तीन दे देते हो, ठीक ठीक। कैसे सर कंग्रेंसी से तो एंगल वन और एंगल तीन बराबर हो जाएगा, एंगल वन ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। और इक्वेशन में क्या दिया एंगल एक बराबर क्या दिया एंगल दो दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया एंगल एक और दो आपस में बराबर है, कंग्रेंसी से एंगल एक और तीन बराबर हो गया, तो हमने सिद्ध नहीं किया बाबू LHS बराबर है तो एंगल दो बराबर एंगल तीन हो गया, एंगल तीन और दो आपस में बराबर हो गया, एंगल तीन दो आपस में बराबर हो गया, ये सेम है तो सेम होगा ना जी, दो तीन बराबर हो गया, ठीक। धर्मवीर वीडियो ऑन करो सैतान, एक घंटा से पुकार है खाली, एंगल दो और तीन क्या हो गया बराबर हो गया। अब इस ट्राइंगल में चलो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल में चलो, राक्षस वाला ट्राइंगल है, ये एंगल का अपोजिट वाला साइड ई वाला है और इस एंगल का अपोजिट वाला साइड ये वाला है, तो ये एंगल जब दो तीन बराबर है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा इक्वल होगा, अपोजिट साइड क्या होगा इक्वल होगा, इसलिए आप कह सकते हो बाबू ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट मान लो ई है ई सी हो गया, ठीक। और ये दोनों एंगल बराबर है तो ए बी बराबर ई सी ना हो जाएगा, ठीक सर। आप कुछ करना थोड़ी, अब तो हो गया जी, ठीक। आपने पहले बाबू ये ए बी बराबर ई सी सिद्ध किया है ना बाबू, ये कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा, यहाँ से ए सी हो जाएगा ए सी, आपने शुरू में हमने क्या सिद्ध किया सर ए बी बराबर ई सी, ए बी बराबर ई सी सिद्ध किया शुरू में है ना बाबू, शुरू में ठीक ए बी बराबर ई सी सिद्ध किया बाबू, ठीक सर।
और ई वाला साइड, ई वाला साइड बराबर सिद्ध किए ना जी। और अभी आपको हमने क्या सिद्ध किया, ई साइड ए सी और ई सी आपस में क्या बराबर है, ये ए सी और ई सी आपस में क्या बराबर। ठीक, यहाँ से देखो इक्वेशन एक और तीन से ये वाला आर एच एस बराबर हो गया, तो एल एच एस नहीं बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और जब किसी ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गए तो ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेल्स होता है, कैसा होता है, आइसोसेल्स होता है, आइसोसेल्स होता है। यही करना था, यही करना था और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यही करना था इसमें, ये क्वेश्चन में एक घंटा लगाता है शैतान, कैसे कंग्रेंसी बाबू इसे कूटेंगे, अब ना खाली कूटा ही चलेगा। अगला संडे को टेस्ट बाबू खाली कंग्रेंसी से, ठीक है ना, पहला ही कह देते हैं अगला संडे को टेस्ट होगा, आज एगो संडे वो अगला संडे होगा, कंग्रेंसी से खाली क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, और जो जो नहीं बनाया कूटेंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, तो साइंस में कई गो क्वेश्चन छोड़ा जी, अधर्म भी, इसको जल्दी से सिद्ध करो नहीं तो कुटा। शुभ बाबू कैसे क्वेश्चन छोड़ा बाबू, छोड़े कहीं नहीं है साहब, बनाए तीन गो चले, तीन गो गलती क्या, यस सर, लिखे हो इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो इन टू राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, टू वन सच डेट बाबू, वन साइड जल्दी लिखो इसको, करो तो वन साइड बाबू, वन साइड बाबू, एंड वन एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एंगल ऑफ बाबू वन ट्रायंगल इन टू राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, वन साइड एंड वन एक्यूट एंगल बाबू ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू वन साइड एंड कोरस्पॉन्डिंग corresponding बाबू acute angle आज इंग्लिश का क्लास 2 बजे से शिवम बाबू, कई गो क्लास छूटा है शिवम, दो क्लास छूटा बाबू, ये दो तीन गो, तीन गो की 2 बजे, तीन गो सर, अब ना छूटना चाहिए, आप बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ ना तो कूट देंगे पकड़ के, उसका भी टेस्ट उट्स का जुगाड़ करवाते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल बाबू ऑफ अदर ट्रायंगल वन साइड एंड कोरस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल ऑफ अदर, प्रूव दैट the two triangles congruent। LKG का क्वेश्चन है, शिवानी ऊपर क्या देख रही है, देखो ना खुश है शिवानी, एकदम खुश है, बोली जियो शिवानी, इसी तरह से खुश रही है बाबू, कुटाई खोजती है, जल्दी बोले जल्दी बाबू, किस पे गुस्सा कर रही है शिवानी, मम्मी पे बाबू, बोले मम्मी को भगा रही हो, हाय शिवानी, हाय खुश है बाबू, पढ़ाई की जैसे तन मम्मी को भगा रही हो, मम्मी आपसे पूछ रही बेटी क्या बना दें खाना में, आप मम्मी पे गुस्सा कर रही हो, कितना प्यार से पूछ रही बेटी क्या बना दें,
आज क्या बन रहा है शिवानी बाबू? कुछ बढ़िया चीज बनाई बाबू, नया घर। खुश है, खुश है। पढ़ाई मत कीजिए शैतान, खुश रहिए जिंदगी में, यही काम दे। जल्दी लिखिए जी, करो तो शिवम। ऐसी मैम बोले, चलो इसको प्रूफ करो बाबू। धर्मवीर तो सो गया जी, धर्मवीर तो सो गया बाबू। आज बिहार में किसका बाबू? उधर है, उधर मंगला स्थान जाना है, उसको जाकर कूटना है। बहुत दिन से नहीं गया। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। अरे क्या करा है? टू राइट एंगल ट्राइंगल बाबू, वन साइड और वन एक्यूट एंगल इक्वल दिया हुआ, तो आपको प्रूफ करना है बाबू कि ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। हम जा रहे हैं सुसाइड करने से, ये भी कोई क्वेश्चन है जी? दो को राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल तो 90 डिग्री होबे करेगा। दो राइट एंगल ट्राइंगल है बाबू, बी ई एफ, तो कह रहा बाबू एगो साइड हाइपोटेनस को छोड़कर, एगो साइड है, एगो एंगल क्या इक्वल है। अरे राइट एंगल ट्राइंगल में एगो राइट एंगल होता है तो दो एक्यूट एंगल होता है ना। हाँ सर, तो कोई एगो एक्यूट एंगल ले लो और कोई एगो साइड ले लो हाइपोटेनस को छोड़ के, ठीक है, वो आपस में इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा, कंग्रेंट होगा। मेरे लाल इससे आसान जिंदगी में क्वेश्चन में नहीं है। कह रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एंगल 90 डिग्री, और साथ में क्या करा, एगो एंगल दिया हुआ। इफ टू राइट एंगल ट्रायंगल एंड बाबू वन साइड एंड वन एक्यूट एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द बाबू कॉरस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, है ना। एक साइड एक ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ साइड होगा उसी दूसरे ट्रायंगल का उसी एंगल ऑफ साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आपको सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है। मतलब क्या दिया हुआ सिद्धांत दिया हुआ है, ये बाबू सब चीज तो दिए दिया, कहा क्या गिव हैन बाबू, है ना बाबू, गिव हैन बाबू, गिव हैन बाबू, लेफ्ट ट्रायंगल एबीसी और डीएसी बाबू और राइट एंगल ट्रायंगल है ना बाबू, या गिव हैन बाबू, मान लेते हैं क्या बाबू, क्या दिया सर, लेट बाबू कोई एगो साइड बराबर मान लो, मान लेते बाबू बीसी बराबर क्या हो जाएगा सर, ई एफ, ठीक, बीसी बराबर क्या हो गया बाबू, ई एफ हो गया, ठीक, ई एफ हो गया बाबू, है ना, ठीक सर। एगो एंगल दिया हो, 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 है ना बाबू, एक एंगल दिया हो, ठीक। तो कोई एगो एंगल मान सकते बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एगो एंगल मान लो बाबू, है ना। तो ये साइड ले लो, ये एंगल अगर लेना चाहते बाबू, ये एंगल अगर लेना चाहते बाबू, है ना। अब शांति समझना, ये एंगल होता है एंगल साइड, एंगल से एंगल साइड ए से एंगल क्या हो, क्रिटेरिया हो जाएगा। ये एंगल ले लो, ये एंगल आपस में क्या है सर, इक्वल है, ये आपको दिया हुआ एंगल बाबू, समझना, एंगल ए सी डी बराबर क्या, एंगल डी एफ ई, ठीक, बराबर दिया हुआ, बराबर दिया हुआ, ठीक ठीक। तो आपको सीधे करना, अरे हमने क्या किया, दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल करा, जिसका एक साइड एक्यूट एंगल लो ना, कोई ये एंगल बराबर लो, चाहे ये वाला एंगल बराबर लो, किसी एक को बराबर लो, एक साइड बराबर ले लो, तो बीसी बराबर ई एफ ले लिया, है ना, ठीक सर। तो हमको प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूफ बाबू, हमको क्या प्रूफ करना सर, हमको प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूफ बाबू, वी हैव टू प्रूफ बाबू, हमको क्या प्रूफ करना बाबू, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कंग्रेंस होगा, कंग्रेंस होगा ट्राइंगल डी ई एफ के, यही आपको प्रूफ करना। नहीं हो जाएगा जी, जा होगा कि ना होगा जी, हो गया इन ट्राइंगल बाबू, ए बी सी एंड ट्राइंगल कितना में, डी ई एफ में। देखो मेरे लाल क्या बाबू, एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी एफ ई, कहां से सर, दिया हुआ, कहां से बाबू, दे दिया, दे दिया क्वेश्चन में, दे दिया सी बी बराबर कितना है एफ ई, कहां सर, दिया हुआ, दिया हुआ, दिया हुआ,
और एंगल बाबू कौन सा, सी डी ए बराबर एंगल एफ ई डी, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, तो बाबू देखो क्या हो गया सर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, अरे एंगल साइड एंगल, इसलिए वर्ड ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंस हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस हो गया, ट्रायंगल डी ई एफ के कैसे सर, एंगल साइड एंगल से, बस यही तो करना था, एक लाइन का तो है ये था जी, सही कहानी सब है। दो तीन को क्वेश्चन एक एक लाइन बुला देते, कम से कम हाथ पर चलाए नहीं तो फूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना, शैतान हाथ पर चलाता नहीं है। जल्दी लिखिए, देखो ब्लूटूथ का बिल बनवा दिया बाबू, मार्केट से लाने में ब्लूटूथ चाइनीज वाला लाने में भी समस्या, बोले मेरे पैसा भी लगेगा, चाइनीज बाबू जानवे करता कितना दिन चलेगा बिना ब्रांड वाला। डुप्लीकेटो दे देता, दुख के बाद ये जी की डुप्लीकेटो दे देता। लिखो जल्दी से, संडे भी शैतान दुकान भी बंद होगा। जल्दी लिखे बोलो, जल्दी लिखे, ऐसे बम सो गया जी संडे को बाबू? नो सर, अभी सारे सितंबर में बाबू सारे जगह एग्जाम चल रहा, परेशान, आधा बच्चा परेशान हो रहा, उससे ज्यादा हम परेशान हो जाते सब, है ना बाबू? मान लो हम पढ़ा रहे हैं बाबू, एग्जाम में बाबू सबका छूट रहा, सोना सोना बाबू सबका छूट रहा, फिर उसको समझ में नहीं आता है, बिहार का बच्चा रहता था टेंशन नहीं रहता है, पीट के बिठा के किसी तरह समझा देते हैं, अदर स्टेट वाले को पढ़ाना बड़ी टफ काम। नेक्स्ट बाबू, अभी इसी में देखो ना, तीन चार को एग्जाम में भी अनुष्का है, ये सबका शैतान एग्जाम है, इसको बाबू करके लाना भोले मेरे, कौन मार्कर से लिखे लाइक वाला से, और नहीं करोगे तो कूट देंगे। इन ट्रायंगल बाबू ए बी सी बाबू, इन ट्रायंगल ए बी सी बाबू, एबीसी बाबू, इज बाबू, इज बाबू एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल, एबीसी क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल आइसोसेल्स दिया हुआ है ना बाबू, बीथ बाबू आइसोसेल्स होगा तो दो साइड बराबर होगा, बीथ बाबू ए बी बराबर ए सी है ना, प्रूव डेट, प्रूव डेट बाबू The perpendicular, धर्मवीर उठेगा बाबू, धर्मवीर के पापा ही फोन लगाया बाबू, ट्रायंगल एबीसी क्या दिया, आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया बाबू, विथ एबी बराबर एसी दिया हुआ है ना, एबी बराबर एसी दे दिया जाएगा, आप प्रूफ डेट दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस बाबू बी एंड बाबू सी, टू दियर बाबू, टू दियर बाबू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक, कहने का मतलब क्या कह रहा सर, शांति से समझे, ए बी सी एसोसिएल्स ट्रायंगल है, ठीक है सर बनाइए, वो अगला संडे को आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कब तक एग्जाम है सुबह बाबू सर, एग्जाम कब तक है बोला, 28 भाई, अगला संडे 2 तारीख, एक आज हो गया 25 बाबू, 2 या 3 दिन है ना जी, बस टाइम मिलेगा ना, फिर रिवाइज करना बाबू, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल रिवाइज करना, क्या करा संडे को होगा सर,
संडे को आप लोग का कंग्रेंसी से खाली क्वेश्चन पूछे, खाली कंग्रेंसी से, क्योंकि इस सब पे आप धीरे धीरे कमजोर हो रहे हो। ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ क्वेश्चन, क्या कह ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, कैसा सर एसोसिएट्स ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक बाबू। और क्या प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस बी एंड सी, बी और सी से परपेंडिकुलर ड्रा करो अपोजिट वर्टिसेस पे, ठीक। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बी और सी से बाबू ड्रा किया, मान लो बाबू कितना है, ई हो गया डी बाबू और ई हो गया ई। तो आपको प्रूफ करना है बाबू बी डी बराबर क्या होगा, ई सी होगा। आपको यही प्रूफ करना है, प्रूफ करना बाबू, प्रूफ क्या करना बाबू, प्रूफ आपको क्या करना बाबू, बी डी बराबर कितना होगा, सी होगा। यहाँ से बी डी ले बराबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, यह प्रूफ करना, ठीक। दिमाग लगाना है ना, देखो ट्रायंगल क्या करना, ट्रायंगल चलना बाबू, एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, हमको ये साइड ई सी और बी डी प्रूफ करना है ना। तो एक बाबू ट्रायंगल कौन सा ले लो, पहले एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, ये वाला ट्रायंगल एक ले लो सर, है ना, एक ट्रायंगल और ले लो, बोला एक ट्रायंगल और ले लो, और ले लो, और ले लो, और ले लो, इस तरह से ले लो बाबू। ये वाला साइड क्या आ जाए, उल्टा ले लिया, हमको इस तरह से ट्रायंगल लेना बाबू, ए सी साइड और ये वाला साइड क्या आ जाए, आज अब बराबर आ जाए, बराबर आ जाए, बराबर दिया हुआ ना जी। तो आपको कौन सा ट्रायंगल लोगे, वो कौन सा ट्रायंगल लोगे मेरे लाल, एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, ये कॉमन हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये ले लेना, दो गो ट्रायंगल बाबू, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ये वाला ट्रायंगल ले लेना भोला सर, आवाज बहुत कम आ रहा है, अच्छी बात है। दूसरा ट्रायंगल कौन लेंगे सर, ए बी साइड आ गया ना, दूसरा ट्रायंगल इस तरह से लो बाबू कि ए सी साइड आ जाए, ए सी साइड आ जाए, ए सी साइड। तो दूसरा ट्रायंगल कौन लोगे भोले, दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लेना भोले मेरे, ये वाला, ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल लेना, सिद्ध करना, थकना नहीं होगा तो फिर कोटेंगे। इसी का अपोजिट दूसरा क्वेश्चन है, इसी का अपोजिट दूसरा करवाएंगे कल हम, एगो कम से कम दिमाग लगाएगा। अरे बाबू इसमें दो ट्रायंगल आपको कंग्रेंट सिद्ध कर देगा, हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल कौन लेगा, वही दो ट्रायंगल लेगा वो जिसमें बाबू ए बी साइड बड़ा, ए बी साइड और दूसरा ट्रायंगल में ए सी साइड क्या होगा, यथी होगा, इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा, तभी ना लोगे जी, तभी ना लोगे। तो ए बी साइड ए सी साइड इंक्लूड होने वाला ट्रायंगल ले लेना, ठीक है ना, दिमाग लगाना। धर्मवीर आराम करेगा बाबू, अभी शैतान सारे का रिजल्ट भेजना है, सो गया, चलो एग्जाम भर उसको आराम करने देते दो चार दिन। ठीक है बाबू, अब कुटाने के लिए तैयार रहेगा शिवानी, आज तो नहीं कुटेंगे बाबू, अभी नया नया घर में गई हो, खाइए पकाइए बनाइए, लेट से कहा था अनुज।